गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 5th of October 2023 द थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। कल रात को क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है यूएस मार्केट में एज फार एज द डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स आर कंसर्न, उसके लिए हमें चार्ट में चलते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 106.56। कल फ्रॉम द टॉप दैट मीन्स योर 107.24 से एक सॉफ्टनेस देखा गया एंड इट मूव्ड डाउन टू 106.50 एंड क्लोज एट 106.77। उसी का कंटिन्यूएशन आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में जापान मार्केट में हम देख रहे हैं। हल्का सा सॉफ्टनेस इज गुड, अदरवाइज द वे द डॉलर इंडेक्स वाज मूविंग काफी खतरा फीलिंग्स हो रहा था ग्लोबल इकोनॉमी फ्रंट पे। अभी डॉलर रुपी नथिंग न्यू, कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट किधर की तरफ होगा, पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ जाएगा बिकॉज डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांग हो रहा है एंड रूपी में एक पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। एंड इन सच ए केस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है वो है आपका 83.70 से 83.90। लेकिन ख्याली पुलाव बना के कोई फायदा नहीं, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है आप चाहे जितना भी ख्याली पुलाव बना लो कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ पे जब तक इनविजिबल हैंड्स प्रेजेंस इज देयर तब तक हमें इंतजार करना है। ये हो गया वन एस्पेक्ट एज फार एज द करंट प्राइसिंग सिनेरियो इज देयर। ऑल्सो हमें ग्लोबल परस्पेक्टिव में ऑल द डेवलपमेंट्स, मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखना है। क्या बड़ा इनफ्लोज डॉलर रुपये को हिट कर रहा है या करने वाले हैं उसको भी हमें केयरफुली मोनिटर करना है। अगर बहुत बड़ा इनफ्लो मार्केट को हिट करने वाले हैं तो रुपी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, लेकिन एज ऑफ नाउ नथिंग ऑफ सच न्यूज इज देयर इन द मार्केट। लेकिन हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। सो आप बोलोगे क्या आशीष डबल डबल बातें कर दो, हाँ मार्केट में हमें प्राइस को फॉलो करना है, वी कैन नॉट डिक्टेट द मार्केट, रेदर वी हैव टू फॉलो द मार्केट। सो मार्केट इतना बड़ा है, कौन किस कोने पे जाके कौन सा एक्टिविटीज करते हैं वो हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। दोज एक्टिविटीज, क्या ये रुपी अप्रिशिएटिंग एक्टिविटीज है या क्या ये रुपी डेप्रिशिएटिंग एक्टिविटीज है वो हमें पता नहीं होता है। तो हम ज्ञानी बाबा बोल के कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होने वाला है। जब तक प्राइस एक्शन कुछ बोलता नहीं है तब तक हमें साइलेंटली इंतजार करना है। हाँ एक बार अगर कोई प्राइस एक्शंस हमें कुछ इंडिकेशन दे देता है उसके बाद हम ये बोल सकते हैं यस रिस्क की रिवॉर्ड बेसिस पे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हो सकता है, इतना स्टॉप लॉस हो सकता है एंड इतना हमारा रिवॉर्ड हो सकता है। एज ऑफ नाउ ये कंसोलिडेशन में हमें कुछ मीन्स प्राइस एक्शंस का उस टाइप का स्ट्रेटेजी कुछ दिख नहीं रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए लेकिन इनविजिबल आर नॉट लेटिंग रुपी टू डेप्रिशिएट बियॉन्ड द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन ऑफ 83.20 से 83.40 के बीच। दैट कंसीडरिंग दैट वन हमें इंतजार करना है। जीबीपी डॉलर में अच्छा खासा सेल ऑफ फ्रॉम 13th July यानी ऑलमोस्ट 2.5 मंथ का सेल ऑफ के बाद जस्ट अर्ली साइंस ऑफ प्राइस रिवर्सल। आई रिपीट अर्ली साइंस, अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ। जब तक इस 2nd October के हाई के ऊपर डेली क्लोज नहीं दे देता है तो फर्स्ट कॉन्फर्मेशन नहीं आएगा। पहला फर्स्ट कॉन्फर्मेशन सेकेंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, थर्ड RSI मूविंग अबोव 60। इस टाइप का स्टेप बाय स्टेप कॉन्फर्मेशन हमें देखना है अगर यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए हम इंतजार करें। क्वेश्चन इज दैट व्हाई रिवर्सल वी आर वेटिंग फॉर, इसीलिए कि काफी सेल ऑफ हो गया है जीबीपी डॉलर पे। कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1.31, 1.32 से 1.20, 11.5 बिगी मींस सेल ऑफ हो चुका है। परसेंटेज टर्म्स में देख लीजिए, दिस इज द रीजन आई एम लुकिंग फॉर रिवर्सल्स, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन मिला नहीं है। सिमिलरली डॉलर रुपी में भी आप देखोगे 107.70, 108.00 लेवल से
ये कहां तक आया आपका 100, ऑलमोस्ट 8 बीघी लूज किया, वीक हुआ जीबीपी आईएनआर। दिस इज द रीजन हियर आई एम लुकिंग फॉर रिवर्सल, लेकिन कॉन्फर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। प्राइस एक्शंस को मिलने देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप के बारे में सोच सकते हैं। यूरो डॉलर सिमिलरली आप देखोगे कहाँ से 1.1250 लेवल से 1.0450, 8 बीघी का। इसीलिए दिस इज द रीजन कि आई एम लुकिंग फॉर ए रिवर्सल पैटर्न। ऐसा नहीं कि कुछ मैं जस्ट ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, नो, लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा है। कॉन्फर्मेशन के लिए ये जो आपका 2 अक्टूबर का रेड कैंडल है, बिग रेड कैंडल, इसके हाई के ऊपर डेली क्लोज देना पड़ेगा, देन इट इज द फर्स्ट सिग्नल कि अभी रूपी यूरो डॉलर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। देन योर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, देन योर RSI मूविंग फर्स्ट अबव 40, देन अबव 60। यूरो आईएनआर सिमिलरली ये जो आपका 2 अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज दे देगा, इन सच ए केस फर्स्ट इंडिकेशन हम देखेंगे, अदरवाइज हम आराम से सेल ऑप्टिक्स खेल सकते हैं। डॉलर येन कल एक पॉज कैंडल बनाया, ये एक इनसाइड बार कैंडल भी है, इनसाइड बार टू योर 3 अक्टूबर कैंडल। सो इनसाइड बार के लो के नीचे सेल ऑफ कंटिन्यू हो रहा है, अभी है 148.40, यहाँ पे 150, बेसिकली 148, 149 एंड 150, ये फिगर पे बीओजे का इंटरवेंशन का एक्सपेक्टेशन था, जो हमें एक ग्लिम्स देखा गया 3 अक्टूबर को, कुछ ही समय में 150 प्लस से 147.27 तक आ चुका था, एंड वैसे ही कुछ ही पल में, कुछ ही मिनट में फिर दोबारा 149 में जाके क्लोज दिया था। यहाँ पे ये आपका एक इंडिकेशन था कि बीओजे ने इंटरवीन किया, लेकिन बीओजे ऑफिशियल्स या फिनमिन कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं किया कि हमने इंटरवीन किया या नहीं किया। ये हो गया आपका मीन्स फंडामेंटल पार्ट। ये टेक्निकल पार्ट में ये जो इन्हें आपका इनसाइड बार कैंडल है, इनसाइड बार कैंडल के नीचे कंटिन्यूएशन अभी हमें इंतजार रहेगा। ये जो एक कैंडल का लो बना है, शार्प लो, इसके लो के नीचे इसको लो को चैलेंज करने का, यानी 147.27 को चैलेंज करना चाहिए आने वाले दिनों में, देन एंड ओनली देन एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले इसके लो को टेस्ट करने देते हैं, उसके बाद इस लो को ब्रेक डाउन करने देते हैं, देन एंड ओनली देन वी मे थिंक अबाउट 144.50। स्टेप बाय स्टेप हमें देखना है, हम सिर्फ एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है प्राइस के हिसाब से, बाकी प्राइस देगा नहीं देगा। जी येन आईएनआर पे भी काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे, आप देखो कहां से कहां 0.5960 से 0.55, 4 बीघी, मोर देन 4 बीघी नीचे आया, तो नेचुरली एक रिवर्सल बनता है। एंड ऑल्सो बीओजे का मीन्स एक डॉलर येन के एक स्पेसिफिक लेवल जहां पे बीओजे इज हाईली एक्सपेक्टेड टू इंटरवीन, तो यहाँ पे रिवर्सल। अभी ये जो कैंडल आपका 27 सितंबर का हाई, उसके ऊपर लॉन्ग के लिए कॉन्फर्मेशन, अभी ये जो दोनों इंडिकेशन है ऐसा लग रहा है कि फुलफिल हो गया। पहला वाला इंडिकेशन क्या है, इस कैंडल, ये जो 27 का कैंडल एज पर द प्राइस एक्शंस, तो इसके हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए, जो कल क्लोज दे चुका है। उसके बाद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस उसके ऊपर भी अभी जाने लगा है। 3rd RSI बिलो 40 से अबव 40 अभी इंतजार है, मींस बिलो 60 से अबव 60 जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप कॉन्फर्मेशंस, तब जाके एक अच्छा खासा बाउंस बैक हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नए नए पे काफी समय से मैं लॉन्ग के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन प्राइस कॉन्फर्मेशंस नहीं दे रहा है। तो अभी 2 लेवल आया है, अभी तीसरा लेवल का इंतजार है कि प्राइस RSI बिलो 60 से अबव 60 जाने के लिए। ऑल्सो प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ अगर इंडिकेशंस मिलता है तो बहुत बढ़िया है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक मीन्स 2 लेवल क्लियर कर चुका है फॉर रिवर्सल पर्पस, 3rd लेवल का इंतजार है। डॉलर कैंडी 1.3724, यहाँ पे ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 1.38, उसके सामने एक पॉज कैंडल दे रहा है। ये पॉज कैंडल आज के दिन में मॉर्निंग सेशंस में ये हो रहा है, तो प्राइस अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था फ्रॉम अबो, ब्रेकिंग अबो 1.3650, ये ऊपर गया है। अभी हमें देखना है क्या ये
पुल बैक करके, हल्का सा पुल बैक के बाद फिर दोबारा ये 138 को चैलेंज करता है या नहीं, क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। $80 में आप देखोगे कल हमने क्या किया था। ये जो रेंज ब्रेकआउट है, रेंज ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट है ये कौन सा, 0.6150 एज पर द बॉक्स। लेकिन इसको अगर इस रेंज में आना है तो एक शार्प मूव होना चाहिए। क्या यहाँ पे कल के दिन शार्प डाउन मूव देखा गया? क्या आज शार्प डाउन मूव दिख रहा है? नहीं। यानी क्या हुआ, ये जो ब्रेक डाउन है बॉक्स के अंदर में, अंदर से बाहर गया है, ये ब्रेक डाउन है फॉल्स ब्रेक डाउन, ये फॉल्स ब्रेक डाउन। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इट इज गोइंग टू टेस्ट द अदर एंड ऑफ द रेंज, दैट मींस 0.65 0.6550 की तरफ काफी तेजी से ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। मैं कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। सिंपल फॉर्मूला क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। CNH 7.315, कंसोलिडेशन PBOC अच्छा खासा पकड़ के रखा है, अच्छा है हमारे डॉलर रुपये परस्पेक्टिव में। अभी ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड आपका ये तो ब्रेंट नहीं है, अच्छा बिटकॉइन है, ठीक है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है अभी ये 86.57। कल तक मैं ये ब्रेंट क्रूड का कैश देख रहा था, उसका उसको चेंज करने का मेन कारण इसके में डाटा ज्यादा है नहीं, इतना है, सो प्राइस अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा था, इसलिए मैं फ्यूचर में चेंज किया ताकि मेरे को एक बेटर विजिबिलिटी मिले। सो फ्यूचर अभी है 86.57 एंड ब्रेंट क्रूड जो हम देख रहे थे 85.57। यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है, यहाँ पे एक ये जो वीकली रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया फिर नीचे आ गया है, रिटेस्टिंग द ब्रेकआउट लेवल। यहाँ पे दो चीज है, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाएगा इन सच ए केस, इसके हाई को तोड़ने के बाद इट इज हेडिंग टुवर्ड्स योर कौन सा टारगेट। कैश में हमारा 105 106 था, इसमें हो जाएगा आपका हमारा 107 108 का। व्हाट कंडीशंस, ये कंडीशंस है कि इसको रिट्रेस्ट करके अगर पुल बैक करता है, अदरवाइज ये क्या कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ। दो प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी तक पुल बैक रिवर्सल के लिए, यहाँ जो पुल बैक आया उसके बाद रिवर्सल का नामो निशान नहीं है। अगर रिवर्सल में आते हैं, प्राइस एक्शंस आते हैं समथिंग लाइक दिस, देन एक्सक्यूज मी देयर विल बी हायर प्रोबेबिलिटीज के ये ऊपर की तरफ जाएगा। एज ऑफ नाउ सेल ऑफ होते हैं तो सेल ऑफ होने देते हैं। जो इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है क्या, 82.50 लेवल्स में सपोर्ट लेता है ब्रेंट क्रूड फ्यूचर, ये हमें देखना पड़ेगा। US 10 ईयर 4.71, कल ये आपका 4.884 हाई ट्रेड किया था। लेकिन यहाँ पे एक जो ये जो कैंडल कल बनाया, ये बहुत ही खतरनाक कैंडल है। ये कैंडल का मतलब क्या है, यानी पहला क्या कैंडल है, एक बुल रन के बाद एकदम माउंट एवरेस्ट की चोटी में जाके प्राइस सस्टेन नहीं किया। दैट बीइंग द केस ऐसा प्रतीत होता है एज पर द प्राइस कैंडल फॉर्मेशंस ये टॉप हो चुका है। क्या ये हमारा जो एंटिसिपेशन है कि टॉप हो चुका है फॉर नियर फ्यूचर बोले तो फ्यू वीक्स, क्या ये कंफर्म होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। सो अगर ये टॉप हो जाता है देन इन सच ए केस थोड़ा सा कूल ऑफ के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पीक। US 2-year ट्रेजरी, ये तो ऐसे ही ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा था, रेदर रेजिस्टेंस ले रहा था, ये अभी नीचे की तरफ आने के लिए तैयार हो रहा है। ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है एंड फॉलो थ्रू नहीं दे देता है कुछ बोल नहीं सकते, बट इसका जो स्ट्रेंथ है काफी कम था इन कंपैरिजन टू 10-year ट्रेजरी। लेकिन 10-year ट्रेजरी का ये जो इंडिकेशन है ऑलरेडी आई हैव मेंशनड, ऐसा प्रतीत होता है प्राइस के हिसाब से, कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से फॉर नियर टर्म ये पीक बन चुका है। ये हमें निगेट करेगा, कब निगेट करेगा, जब ये आपका
हाई को तोड़ देता है। जब तक हाई को नहीं तोड़ता है, ऐसा लगता है कि ये मीन्स अभी के लिए टॉप बन चुका है। सो आने वाले दिनों में हमें देखना है, ये एक थ्योरी हमने बनाया डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शंस, क्या इस थ्योरी कॉन्फर्मेशन होते हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन नटशेल, डॉलर रुपी में काफी कंसोलिडेशन है, लेकिन अदर करेंसी पेयर्स में हमें कुछ मूवमेंट मिल सकता है। जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, डॉलर येन, येन आईएनआर, ये छह बेसिकली तीन करेंसी से बॉयल डाउन टू छह, सिक्स करेंसीज में अच्छा खासा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए कुछ अच्छा ट्रेंड कैच करने के लिए। सो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग our strength. Thank you all for supporting me. And now